जय हिंद, आप देख रहे हैं बिंदु पे टीवी। मैं आरन जायसवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आज एक रीवा जिले में, यानी मैं बात करूं, ये सुहागी पहाड़ है। सुहागी पहाड़ में नेशनल हाईवे 30 में ही एक बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना हुई है। इस हृदय विदारक घटना में स्थितियां ये हुई कि लगभग 14 लोगों की जान चली गई। वो भी आप इधर देख सकते हैं, ये बस है, ये बहुत बड़ी बस है। लेकिन मैं बात करूँ, ये किसी की लापरवाही नहीं, यहाँ पर ड्राइवरों की लापरवाही सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और ड्राइवरों की जब लापरवाही होती है, किसी की जब जान चली जाती है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, उस समय पर स्थितियाँ देखने को मिलती है। जितने भी यहाँ पर बड़े लोग आते हैं, चाहे नेता हो, चाहे जो भी, चाहे किसी की भी बात कर दूं, यहाँ पर आएंगे, सिर्फ सांत्वना देंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, बस ओम शांति करके यहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन आए दिन की घटनाएं हैं, आज की नहीं है। मैं स्थितियों की बात करूँ, सबसे पहले देखिए, यह है नेशनल हाईवे। यहाँ पर बड़े कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्टर की बात होती है। यहाँ पर जैसा कि बताया जाए, दिलीप बिल्डिकान के बाद में बंसल कंपनी ने यहाँ पर यह रोड का निर्माण करवाया। इसके बाद स्थितियाँ यह है कि ये नाली है, और नाली की स्थितियाँ यह है कि यहाँ पर ढक्कन नहीं लगाया गया। जब भी एक्सीडेंट होता है, तब जाके कहीं ना कहीं से यहाँ भी एक एक्सीडेंट का कारण है, लेकिन इसको देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, आप इधर देख लीजिए, ये है स्थितियाँ। ये जो ट्रेलर था, ये ट्रेलर मैं बात करूँ, ये लगभग रीवा से प्रयागराज रोड की तरफ जा रहा था, जिसके बाद ये जो ये बस है, ये लगभग बड़ी बस है, लग्जरी बस भी मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसने ठोकर मारा है, उससे लगभग 14 लोगों की जान ली, और इसके बाद न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ, लेकिन यह बात कोई नहीं उठाएगा कि आखिर यहाँ पर प्रत्येक दिन, आए दिन, हर महीने क्यों हर दिन यहाँ पर एक्सीडेंट देखने को मिलता है। इस पर कोई नेता बात करने नहीं आएगा। यहाँ पर केवल जब भी देखने को मिलेगा, केवल सांत्वना और केवल खबर और TRP और रेवेन्यू की बात होती है। यहाँ पर देखिए स्थितियाँ किस तरीके से गंभीर हादसा हुआ। यहाँ पर देखिए जो बस है, लगभग बस का आधा, ये देखिए उधर टेलर है, ये टेलर का आधा टुकड़ा उधर पूरी तरह से उड़ गया है। आप इधर देखेंगे, ये भी टेलर का भाग है, लगभग गिट्टी से लदा हुआ ये ट्रक है। अब किस तरीके से ये घूम गए, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लापरवाहियाँ देखने को मिलती हैं, ये सड़कों की स्थितियाँ देखेंगे, पूरे सुहागी पहाड़ में पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी है रोड। इस पर कोई भी यहाँ पर बात करने नहीं आता है, न क्षेत्रीय नेता, न यहाँ पर बैठे हुए जो कोई भी जनप्रतिनिधि है। यहाँ पर केवल TRP का खेल और केवल अपने आप की जो रेवेन्यू की बात होती है, वही ब्यूज पाने के लिए यहाँ पर हर कोई यहाँ पर आज बैठा है, लेकिन ये कोई भी आवाज उठाने का तैयार नहीं है। ये देखिए स्थितियाँ ये हैं, ये पूरा पहाड़ लगभग 5 किलोमीटर के अधीनस्थ ये पहाड़ है। ये लगभग ये इलाहाबाद, ये आगे इधर प्रयागराज के रास्ते की तरफ ये रास्ता जाता है, लेकिन अभी हाल में ही 5 साल के अधीनस्थ, यानी 5 साल के आसपास ये रोड बनी है, लेकिन पूरी तरह से चरमराई हुई रोड है। ये किसी को दिखाई नहीं देता है। यहाँ जो मापदंड, एक निश्चित मापदंड होता है सिविल इंजीनियरों के लिए, यह निश्चित मापदंड देखने को नहीं मिलता है। जब पिछले बार ये आवाज़ उठाई गई, तब जाके ब्रेकर बनाया गया बीच बीच में स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी तरह से स्पीड ब्रेकर हर जगह बन गए हैं, लगातार गाड़ियाँ पलटने जैसी स्थितियाँ होती है, इस पर भी कोई बात करना नहीं चाहेगा। ये स्थितियाँ कैसी नज़र आएंगी, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, लेकिन स्थितियाँ ये स्थितियाँ जो है इस स्थितियों पर शायद है कि कोई ही बात करे। ये तो बड़े दिलचस्प बात होगी। हम देखते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, सभी स्थितियों की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। शायद हो सकते हैं कि कम से कम मेरे जैसा छोटे क्रिएटर की बदौलत अगर थोड़ा सा भी अगर लोगों के सर में लगे, साथ बात करें, लेकिन बड़ी लापरवाही से नालियां जो रोड के किनारे होती है, इन नालियों की आखिर कौन बात करेगा, इन नालियों की मरम्मत कौन करेगा, इन पर एक्सीडेंट होते हैं, इस पर की कौन बात करेगा, आखिर क्यों लगातार इसी पहाड़ में लगातार हो रही सड़क हादसे, आखिर इस पर कौन बात करेगा? क्या यहाँ के प्रशासन भी यहाँ पर जिम्मेदार है, क्या सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेदार है? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न होगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसी साथ बिंदु पे टीवी, मैं आरन जायसवाल, जय हिंद।